गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग परदेश। उम्मीद है आप लोग करंट अफेयर के क्विज़ को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। वीडियो के साथ साथ क्विज़ को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे आप इन सब चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर 76 से घटकर 71 हो गई है। देखिए, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती है उसी को बोलते हैं मातृत्व मृत्यु। तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो पहले 76 थी झारखंड में, अब ये 71 हो गया है। और आपको ये जानना चाहिए कि जो नेशनल इंडिया का जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है वो 113 है, और झारखंड जो है इन सब स्टेट से अच्छे पोजीशन में है। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, बिहार का आपको याद रखना पड़ेगा, 149 बिहार का है। झारखंड का कितना है? झारखंड का पहले 76 था, अब ये 71 हो गया है। ओके, तो इसको कम करने के लिए, इसको और भी कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कम करने के लिए कुछ योजनाएँ चल रही हैं जिसका नाम है जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान इत्यादि। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन के सेंस से जो इम्पोर्टेंट है वो है, अभी झारखंड स्वास्थ्य सचिव कौन है? नितिन मदन कुलकर्णी। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बन्ना गुप्ता। ओके, नेक्स्ट है, झारखंड में जल जीवन मिशन का निरीक्षण अब थर्ड पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जल जीवन मिशन ये है क्या? झारखंड राज्य में जल जीवन शक्ति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल से जल पहुंचाना है। कुछ गांव में पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है, तो कुछ गांव में छोटे छोटे बोरिंग करके सोलर पंप के जरिए लोगों को घर तक पानी पहुंचाया जा रहा है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो देखते होंगे कि एक टंकी लगी हुई है और जो मोटर है वो सोलर के थ्रू चलाया जाता है, पानी उसमें भरता है, आसपास के लोग पानी भरते हैं। तो यही है, बोरिंग करके सोलर पंप के जरिए लोगों को घर तक पानी पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, ये क्या है कि इस योजना में जो भी सामान उपयोग किया जाएगा इसकी गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी करेगी। इस योजना पर जो भी खर्चे किए जाएंगे उन पे पारदर्शिता लाया जाएगा, ये थर्ड पार्टी जो होंगी वो इंस्पेक्शन इसका करेंगी। ओके, नेक्स्ट है, रांची निवासी गंदूरा उरांव को पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के स्थापना दिवस पर झारखंड के सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गंदूरा उरांव को, जो कि रांची के रहने वाले हैं, इनको सम्मान पत्र और 50,000 रुपये नकद देकर ऑनलाइन सम्मानित किया गया। चूँकि कोरोना संक्रमण होने का डर है, इसलिए सारी चीज़ें अभी जितना ज़्यादा हो सकता है ऑनलाइन के रूप में ही ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि देवीवन कृषि विकास केंद्र जो कि रांची में है, इसके तकनीकी मार्गदर्शन में समेकित कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य के लिए गंदूरा उरांव को पहले भी कई पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए ई पास को अब जरूरी कर दिया गया है। ठीक है, कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी लाने के लिए ये कदम उठाया गया है। झारखंड के 4 रेफरी फीफा कोर्स में हिस्सा लेंगे। झारखंड के 4 रेफरी फीफा ऑनलाइन असिस्टेंट रेफरी कोर्स के लिए आमंत्रित किया गया है। इस कोर्स का आयोजन जूम ऐप के जरिए 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। इस कोर्स में ये नाम याद रखना है, गुमला के मनोज साहू, हजारीबाग के परमेश्वर गोप, बजरंग चौहान और रांची के सुनील टोपो शामिल होंगे। झारखंड में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को जल्द ही लागू किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है क्या? योजना के तहत कोई भी लाभुक राज्य अथवा राज्य के बाहर किसी भी ऑनलाइन जन वितरण प्रणाली दुकान से राशन का उठाव कर सकते हैं। यहाँ पर कर है, योजना का लाभ किस तरह प्राप्त किया जा सकता है? योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लाभुकों को मिल सकता है जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया हो,
बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु राशन कार्ड में आधार संख्या प्रविष्ट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में मशरूम उत्पादन यूनिट के वैज्ञानिकों ने मशरूम उत्पादन में प्रयुक्त स्पोन रन बैग के अवशेष का कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करने की तकनीक विकसित की है। इसमें जो अवशेष होता है, जो सड़े अवशेष होते हैं, इसके शोध प्रक्षेत्र में ओल और अदरक की खेती की जा सकती है। खेती का परिणाम अगर अच्छा रहा तो इस शोध में सड़े अवशेष के उपयोग से 30% से अधिक उपज हो सकती है, तो इसलिए इसमें शोध चलाया जा रहा है। यहाँ पर परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जानकारी जाननी चाहिए वो ये है कि बिरसा एग्रीकल्चरल कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की जो स्थापना दिवस है वो है 26 जून 1981। बिरसा है एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन अभी कौन है और वाइस चेयरमैन कौन है ये आप कमेंट करके बताइए। ओके, वाइस चांसलर और चांसलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, ये चांसलर ही है। चांसलर और वाइस चांसलर कौन है, इसका नाम, इनका नाम आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, टीचर्स को मिलने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए झारखंड से 78 टीचर्स ने आवेदन किया है। झारखंड में टोटल कितने टीचर्स ने आवेदन किया है, 78, जिसमें से 8 टीचर्स रांची के हैं। साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी में पुल बनाने के लिए सरकार ने 2,266 करोड़ की राशि को स्वीकृति दी है। साहेबगंज से मनिहारी के बीच गंगा नदी पर बनने वाली पुल की लंबाई 6 किलोमीटर है। पुल के दोनों ओर नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 16 किलोमीटर अप्रोच रोड बनाने का भी प्रस्ताव है। साहिबगंज और मनिहारी में बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा अंडरपास, 4 बस अड्डे, 2 रेल ओवरब्रिज और 1 टोल प्लाजा का भी निर्माण किया जाएगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक निर्माण कंपनी को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है। ठीक है, तो ये आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर थे, उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। इन सभी को आप आगे याद रख पाएँ इसका रिवीजन करने के लिए शाम को टेलीग्राम के माध्यम से जो क्विज़ उपलब्ध कराया जाता है उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें। हर दिन शाम को 6 से 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसी दिन के करेंट अफेयर का क्वेश्चन होता है, और अभी आपने जो देखा जो पढ़ा इसका PDF फाइल उसी समय आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और YouTube चैनल के साथ साथ टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका PDF फाइल और क्वीज़ टेलीग्राम में ही उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो मिलते हैं कल के करंट अफेयर वीडियो के साथ। धन्यवाद।